खाने का नहीं लाई, नसीब लाई। खाने को लेके आई, क्या लेके आई थी? नसीब? हाँ बाबा, मेरा नसीब। मेरे नसीब में तू है के नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ के नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ के नहीं, तेरे नसीब में तू है के नहीं। ये घर में गाना, ये वही गाने, किसने लिखा है सब का भजन बिना चैन न आए राम।
बोलो महाराज। बोलो बेटी। हम खूब दूर रहते हम बहुत दूर रहते इतना दूर नहीं इतने दूर रहते हम वाटवी में रहते ये वाट पकड़ के जाना पड़ता है बेटी मैं क्यों आई तू क्यों आई आप नसीब भी देखते बाबा क्या आप नसीब भी देखते क्या अरे बाप रे बेटी ये भी कोई कहने की बात है हम जानिया बुनिया बाबा है मैं जानिया बाबा हूँ ये हकुनिया बाबा हाकुनिया नहीं मैं जानिया बाबा हूँ ये बुनिया बुनिया मुझे कहा हाकुनिया नहीं मैं जानिया बाबा हूँ ये गुनगुनिया बाबा है क्या लेके आई ये खाने का नहीं लाई नसीब लाई खाने को लेके आई क्या लेके आई थी नसीब हां बाबा मेरा नसीब मेरे नसीब में तू है के नहीं तेरे नसीब में मैं हूं के नहीं तेरे नसीब में मैं हूं के नहीं तेरे नसीब में तू है के नहीं ये कब देगा ये वही दाने जिसने लिखा है सब का नसीब बेटी वाह बाबा मन की भोली दिल की चंचल बराबर बाबा सबका सुनती है लेकिन मन का करती बराबर माँ बाप का तो वाई भी सुनती नहीं बराबर बाबा बराबर बेटी तेरे घर में एक काले कलर की बकरी है मैंने देखा नहीं फिर भी कैसा लीटर बोला बेटी वो बकरी ने अगले साल एक बकरा दिया था बकरा दिया था ना वो बेच के तूने मोबाइल लिया था मोबाइल लिया था जब से मोबाइल लिया तब से तेरी नींद हराम हो गई मोबाइल कान को लगा के अंदर बाहर दौड़ती फिरती है कभी कभी तो सड़क पे निकल जाती है बराबर बराबर फिकर मत करना ये अपना भागवड़ वाला कृष्ण भाई वाचमन अच्छा 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 कृष्ण भाई को आशीर्वाद ऐसा देंगे तो अगले 12 महीने तक वो भी नाम लेते रहे नहीं उसके पास मोबाइल नहीं ना तो बेटी ये कृष्ण भाई को भी आशीर्वाद देना जाना पड़ेगा लेकिन पहले तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ फिर कभी चिमठा में नहीं रहना क्या चिमठा में चिमठा में रहेंगी तो सोटियाँ नहीं उखाड़ेंगी क्यों अरे चिंता बोलो चिमठा नहीं हितकी में हितका में नहीं रहना हितकर में रहेंगी तो चलेंगे ये महीने में तुम्हारा 70 पूरा हो जाएगा सत्तर पूरा अगले महीने में हम भी 70 हो जाएगा तो अगले महीने में 90 हो जाएगा कैसे कौन सा पूरा ये सगाई वाला ये तो उसको साकर पूरा बोलते हैं सत्तर पूरा हो जाएगा गुल क्या भेजा है ना और अगले महीने में तेरी वो भी हो जाएंगी क्या
वरार वरार रार होगी क्या वरार? वो छोड़ जाएगा 11 बजे से रार चालू हो जाएगा। बेटी तो ये बाबा की एक रिक्शा है, ये रिक्शा वो कितने में बेचेगा भाड़ा? 3 चाक वाली है क्या 4 चाक वाली? मेरे पास साइकिल नहीं है। मन की बात हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं महाराज की एक इच्छा है। महाराज की एक इच्छा है। हाँ। तो ऐसा करो वो पूरी करेगी। हाँ, तो बेटी देख। हाँ। महाराज का मन ऐसा करता है तेरे घर में घुस के दो निवाला खाना खा के जाने का मन। अभी क्या? अभी नहीं, अगले महीने यानी अगले साल यानी 2024 में मार्च महीने की 8 तारीख को महाशिव रात्रि आएंगी। ये अपना गोगल पाड़ा वाला अर्जुन सेठ है। हाँ। तो महाशिव रात्रि 8 तारीख को रहेंगी एदा? तो उसका प्रोग्राम बड़ी दे मोगरा यानी हैदराबाद में 6 तारीख को रहेगा। हाँ। तो 6 तारीख के दिन खाना खाना है हम। अच्छा तो बेटी अभी तुम्हारी मन की इच्छा से जो दक्षिणा देना है वो घर में जाके लेके आओ। बाबा को एक घर नहीं पूरा गांव घूमना पड़ता है। बाबा मैं पैसे लेके आता हूँ। लेके आओ, लेके आओ, पैसे लेके आओ। अच्छा अच्छा दे आशीर्वाद 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 सदा। सुखी भाई सदा सुखी भाई में रहो। लोट लाओ आटा लाओ सुखी लाओ।